हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है करेक्ट वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज क्लोथ्स। नॉर्मली क्या होता है कि कपड़े ऑर्गेनाइज करते टाइम अगर हमारे पास हैंगिंग स्पेस ज़्यादा होता है तो हम ज़्यादातर कपड़ों को हैंगर्स में ऑर्गेनाइज कर देते हैं, और अगर शेल्फ स्पेस ज़्यादा होता है तो हम मोस्टली कपड़ों को फोल्ड करके रखते हैं। हाउएवर, इट मे नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन एंड इज़ डेफिनेटली नॉट गुड फॉर द लाइफ स्पैन ऑफ क्लोथ्स। जो कपड़े फोल्ड करके रखने चाहिए उन्हें अगर आप हैंग करके रखेंगे तो वो स्ट्रेच हो सकते हैं और उनका फैब्रिक ख़राब हो सकता है, और दूसरी तरफ जो कपड़े हैंग करके रखने चाहिए उन्हें अगर आप फोल्ड करके रखेंगे तो उनमें बहुत सारे क्रीजेज़ डिवेलप हो सकते हैं और आपका बहुत सारा टाइम आयनिंग में भी वेस्ट हो जाएगा। कपड़ों की लॉन्ग लाइफ के लिए भी इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू स्टोर देम प्रॉपरली, सो लेट्स सी द राइट वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथिंग। टी शर्ट्स को हमेशा फोल्ड करके रखें क्योंकि इन्हें हैंग करने से ये नेक को शोल्डर से स्ट्रेच हो जाती हैं एंड ग्रेजुअली दे विल लूज देयर ओरिजिनल शेप, सो इट्स बेस्ट टू फोल्ड देम। इन्हें आप सिंपली इस तरह से फोल्ड करके रख सकते हैं या नीचे से 3 से 4 इंच पीछे की तरफ फोल्ड करके फर्स्टली फोल्ड देम इन थर्ड्स एंड देन फोल्ड इन थर्ड्स अगेन एंड जस्ट फ्लिप ओवर दिस फोल्डेड पार्ट। And that's it, you've got your really nice and compact fold which can be stored in a drawer or basket easily. इस तरह से फोल्ड की हुई टी शर्ट्स बहुत कम स्पेस लेंगी और इधर उधर मूव होने पर भी फोल्डेड ही रहेंगी। वैसे भी टी शर्ट्स जो हैं वो बहुत कम स्पेस लेती हैं और इन्हें ईजिली स्टैक या रोल करके रखा जा सकता है। अगर आपके पास हैंगिंग स्पेस ज़्यादा है और आप टी शर्ट्स को हैंग करके ही रखना चाहते हैं तो फुल स्लीव्स टी शर्ट्स को हाफ फोल्ड करके बस इस तरह से हैंगर पर हैंग कर दें, इससे इनकी शेप ख़राब नहीं होगी। हाफ स्लीव्स या विदाउट स्लीव्स टी शर्ट्स को सिंपल मेथड से फोल्ड करके हैंग कर सकते हैं। टू सेव स्पेस आप एक हैंगर पर 2 टी शर्ट्स भी हैंग कर सकते हैं। डेनिम को आप फोल्ड भी कर सकते हैं और हैंग भी। अगर हैंगिंग स्पेस ज़्यादा है तो इन्हें नॉर्मल हैंगर्स पर हैंग करके रखें। टू सेव स्पेस आप एक हैंगर पर 2 जीन्स भी इजीली हैंग कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर स्पेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्टाइल इन्हें सिंपली ऐसे फोल्ड करके स्टैक करके रख सकते हैं या फिर एक फैब्रिक स्टोरेज बास्केट में वर्टिकली स्टैक करके भी रख सकते हैं। इन्हें रोल करके भी स्टोर किया जा सकता है, और अगर थोड़ा और कॉम्पैक्टली फोल्ड करना है तो इस सेंटर सीम को थोड़ा सा फोल्ड करके गिव 1 फोल्ड फ्रॉम बोथ एंड्स एंड देन फोल्ड टुगेदर एंड दैट्स इट, नाउ इट्स इजी टू स्टोर देम। लेगिंग्स को आप फोल्ड भी कर सकते हैं और हैंग भी। हाउएवर, आई प्रिफर फोल्डिंग देम एज दिस वे दे आर इजी टू ऑर्गेनाइज। इन्हें फोल्ड करने के लिए बस हाफ फोल्ड करके सेंटर सीम को भी थोड़ा सा फोल्ड कर दें और अब दोनों साइड से एक एक फोल्ड करके फिर से फोल्ड कर दें। टू कीप द फोल्ड इंटैक्ट आप लेगिंग्स को इस तरह से फोल्ड करके इस इलास्टिक वाली साइड को फ्लिप कर दें, इससे ये फोल्डेड रहेगी एंड इट विल बी ईजी टू स्टोर देम इन अ बास्केट। शॉर्ट्स को आप हैंग भी कर सकते हैं और फोल्ड भी। हाउएवर, इन माई ओपिनियन इट सीम्स मोर प्रैक्टिकल टू फोल्ड देम। इन्हें कई तरह से फोल्ड कर सकते हैं, और इस पहले मेथड में सेंटर सीम्स को बीच में रखते हुए एक फोल्ड करें। अब हाफ फोल्ड करके फोल्ड इट इन थर्ड्स फॉर अ नाइस एंड कॉम्पैक्ट फोल्ड। अब इन्हें फैब्रिक स्टोरेज बास्केट्स में ईजिली स्टोर किया जा सकता है। दूसरे फोल्डिंग मेथड के लिए बस इन्हें हाफ फोल्ड करके सेंटर सीम को भी थोड़ा सा फोल्ड कर दें एंड नाउ फोल्ड इट इन थर्ड्स एंड देन फोल्ड अगेन। इस अनदर फोल्डिंग मेथड में फर्स्टली फोल्ड इट इन थर्ड्स एंड देन फोल्ड इट इन थर्ड्स अगेन एंड दैट्स इट, दे आर इजी टू स्टोर यूजिंग एनी ऑफ दीज फोल्डिंग मेथड्स। In my opinion, it's best to hang shirts by fastening at least the top button. Shirts को hang करने से उनमें creases develop नहीं होंगी और इस button को लगाने से collar की shape ख़राब नहीं होगी। अगर आपके पास hanging space ज़्यादा नहीं है तो आप shirts को fold करके भी रख सकते हैं। I have also dedicated a video about several different methods to fold and store shirts. You can find the link down below to watch that video, so please check that out.
It's best to hang trousers to prevent creases. However, they can be folded as well. इन्हें हैंग करके रखने के लिए क्लिप हैंगर्स को यूज़ करें। इसके ये जो क्लिप्स हैं वो एडजस्टेबल हैं और आप इन्हें हेम से या वेस्ट से हैंग कर सकते हैं। अगर हैंग करने के लिए वर्टिकल स्पेस कम है तो एक सिंपल हैंगर लेकर इंसर्ट एन एम्प्टी कार्डबोर्ड रोल और अब इन्हें आप हाफ फोल्ड करके इस हैंगर पर हैंग कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज बार हैंगर्स टू हैंग देम इन द सेम वे। नीटवेयर्स शुड ऑलवेज बी फोल्डेड रादर देन हंग। इन्हें हैंग करके रखने से ये नेक और शोल्डर से अपनी शेप खो देंगे और स्ट्रेच हो जाएंगे। However, if folding is not at all an option, तो आप इन्हें half fold करके इस तरह normal hangers पर hang कर सकते हैं। इससे ये ज़्यादा stretch नहीं होंगे। In the same way, आप cardigans को भी fold या hang कर सकते हैं। जैकेट्स को जो है हैंग करके रखना ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये काफ़ी बिग और बल्की होने की वजह से फोल्ड करके रखने में काफ़ी स्पेस लेती हैं। कैजुअल जैकेट्स को नॉर्मल हैंगर्स पर हैंग करके रख सकते हैं एंड मेक श्योर टू जिप देम कम्प्लीटली सो दे डोंट फॉल ऑफ द हैंगर। हैवी कोट्स के लिए नॉर्मल हैंगर यूज़ करने से उनके शोल्डर्स की शेप खराब हो सकती है, इसलिए हमेशा उन्हें कर्व्ड कोट हैंगर्स पर ही हैंग करें विद ऑल दी बटन्स फास्टन एंड इट विल बी हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द शोल्डर्स। ड्रेसेस को क्लिप हैंगर्स में हैंग करके रखना बेस्ट ऑप्शन है। अगर इन्हें नॉर्मल हैंगर्स पर हैंग करना हो तो हैंगर्स को नेक से डालने की बजाय बॉटम से डालें, जिससे इनकी नेक और शोल्डर्स की शेप खराब नहीं होगी। मोस्टली ड्रेसेस के शोल्डर्स पर ये लूप्स लगी होती हैं, इन्हें हैंगर्स पर इस तरह से हैंग कर दें जिससे ये ड्रेस हैंगर से नीचे नहीं गिरेगी। प्लीटेड स्कर्ट्स को हमेशा क्लिप हैंगर्स की हेल्प से हैंग करके रखें। कैजुअल स्कर्ट्स को आप हैंग भी कर सकते हैं और फोल्ड भी। अगर स्कर्ट काफ़ी फ्लेयरी है तो उसे फोल्ड करते टाइम इन फ्लेयर्स को 2 से 3 फोल्ड और दे सकते हैं और अब इसे अपनी स्टोरेज स्पेस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा फोल्ड दे सकते हैं एंड दैट्स इट, यू हैव अ परफेक्ट फोल्ड टू स्टोर देम प्रॉपरली। हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़ों को फोल्ड करके रखना ही बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि इन्हें हैंग करने से एम्बेलिशमेंट्स की हैवीनेस की वजह से इन कपड़ों की शेप खराब हो सकती है और इनके पर्ल्स और बीड्स वगैरह भी निकल सकते हैं। इन्हें फोल्ड करते टाइम इनके फोल्ड्स के बीच में न्यूज़पेपर, टिश्यू पेपर या कॉटन क्लोथ को लगाकर रखें और इन्हें अलग अलग बैग्स में डालकर स्टोर करें। इससे इनकी एम्ब्रॉयडरी खराब नहीं होगी और इन कपड़ों को एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मिल जाएगी और सब कुछ अपनी जगह पर इंटैक्ट रहेगा। It's definitely more practical and easy to fold undergarments rather than hanging. Undergarments को fold करके baskets में, drawers में या fabric divider baskets में store कर सकते हैं। I have also dedicated a video about how to fold and store them properly using several different methods. इस video का link भी आप description box में देख सकते हैं, so do check that out. अगर आपके पास हैंगिंग स्पेस कम है देन थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इन दीज मैजिक हैंगर्स। इनकी हेल्प से आप कम स्पेस में ज़्यादा कपड़े हैंग कर सकते हैं, बट गो फॉर दी मेटल वंस रादर देन दी प्लास्टिक वंस एज दीज वंस आर मोर स्टर्डी एंड स्ट्रॉन्ग एंड इन माई ओपिनियन मैजिक हैंगर्स वर्क बेटर फॉर लाइट वेट क्लोथिंग रादर देन बिग एंड बल्की वंस। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके पास शेल्फ स्पेस कम है तो आप हैंगिंग ऑर्गेनाइजर्स बाय कर सकते हैं। इन्हें इजीली हैंगिंग रॉड पर प्लेस किया जा सकता है एंड दे विल बी यूजफुल इन क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ फोल्डिंग स्पेस इन योर वार्डरोब। Also use your own judgment about what should be folded and what should be hung, as there is always exception to the rule. आप कपड़ों के फैब्रिक के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि whether you should hang them or fold. जैसे linen fabric should never be folded, क्योंकि इस फैब्रिक से बने कपड़ों को फोल्ड करने से एक जगह पर creases develop हो जाएंगी and eventually the clothes can rip from the folded part. इसी तरह pleated कपड़े जैसे pleated skirts वगैरह भी hang करके ही रखें। दूसरी तरफ स्लिंकी और स्ट्रेची मटेरियल वाले कपड़ों को हमेशा फोल्ड करके रखें।
I hope this video is helpful for you. If you like this video, then please give it a thumbs up and hit the subscribe button. Thank you for watching. Happy organizing.